मैं रिचा शर्मा, आप सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल ट्रेंडी स्टफ बाय रिचा शर्मा पे आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आप सबको ही हमारी ऑर्गेन्जा सूट्स की जो कलेक्शन है, प्रीमियम कलेक्शन, वो बहुत पसंद आती है। तो इसीलिए जो हमारा आज का भी वीडियो है, ये भी रहेगा फॉर्मल ऑर्गेन्जा प्योर के सूट्स के ऊपर बेस्ड। इन वन ऑफ द कलेक्शन आई एम वेयरिंग अ पीस, प्योर ऑर्गेन्जा का पीस रहेगा, ऑर्गेन्जा की शर्ट, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, साथ में आ जाएगी प्योर क्रेप की इसकी बॉटम। तो मैंने इसको शॉर्ट लेंथ में रेडी किया है बिकॉज इसके सिर्फ घेरे पे वर्क था, रेस्ट ऑफ द वर्क सारा प्रॉपर हैवी दुपट्टा जो इसका है उस पर किया हुआ है। ये सारा कैलकटा वर्क है, 4800 की रेंज है इस पैलेट की। तो मैंने इसको शॉर्ट कुर्ता बनाया है विद सिंपल स्क्वायर नेक्स, फ्रंट भी सिंपल स्क्वायर नेक लिया है मैंने और बैक भी मैंने डीप लिया है सिंपल स्क्वायर नेक विद डोरियन हैंगिंग्स। साथ में मैंने नीचे अम्ब्रेला कट में रेफ प्लाजो डिवाइडर जो है वो रेडी किया है, ये प्रॉपर एक स्कर्ट का लुक देता है। तो शॉर्ट लेंथ करके हमने इसके घेरे पे छोटे से हैंगिंग्स हाईलाइट किए हैं और आर्म्स मैंने ऑर्गेन्जा में सी थ्रू रखी है, हल्की सी चूड़ीदार करके सी थ्रू आर्म्स का इसको लुक दिया है। तो बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट पीसेस आप हमसे बनवा सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर स्टिच्ड सूट एंड एज वेल एज फॉर अनस्टिच सूट्स टू। तो अपना वीडियो का यही पैलेट जो है मैं बिगनिंग में दिखा रही हूँ, इसके शेड्स आई एम वियरिंग सी ग्रीन शेड ऑफ इट। तो इसमें आपको एक फिरोजी कलर मिल जाएगा, सेम शेड भी मिल जाएगा जो मैंने वियर की है। प्योर ऑर्गेन्जा का ये प्रॉपर लेंथ में पीस है, आप इसको लॉन्ग लेंथ भी बनवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने इसको शॉर्ट में ही बनाना है, आप लॉन्ग लेंथ के साथ भी विद एनी बॉटम इसको रेडी कर सकते हो। तो ये इसका शेड आ गया जी, 4800 रुपीस की रेंज में। साथ में आ गया इसका बॉटम, ये देखिए ऑफ द बेस शेड ये रहेगा जी इसके दुपट्टे का लुक। दुपट्टा वैसे मैंने पहना हुआ है, ये आ गया जी इसका दुपट्टा और दुपट्टा के फोर साइड्स पे आपको इस तरह के टैसल्स मिलेंगे हाईलाइट किए हुए, चारों कॉर्नर्स में लगे हुए हैं। ये फिरोजी शेड का लुक आ गया जी। सेम में ही नेक्स्ट आ जाएगा शेड पीच शेड, बहुत सुंदर हल्का सा न्यून टोन में शेड है ये, प्रॉपर पीच शेड, ये पीच का लुक आ गया जी। घेरे पे रहेगा वर्क, दुपट्टे पे रहेगा वर्क, इतना ब्यूटीफुल दुपट्टा है कि आपको कहीं और नीड ही नहीं है ज़्यादा कुछ शर्ट पे करवाने की। नेक लाइन पे अगर आप चाहते हो हल्के फुल्के पोटली बटन्स के साथ जो नेक लाइन है वो आप हाईलाइट कर सकते हो। ये देखिए इसके घेर का लुक, तो इसमें थ्री शेड्स हो गए गाइस इस पैलेट में, सी ग्रीन, फिरोजी एंड पीच शेड। नेक्स्ट जी ऑर्गेन्जा स्पेशल वीडियो में आ जाएगा 2200 रुपीस का कलेक्शन एंड दिस इज ऑल ब्रश पेंट विद हाइलाइटिंग ऑफ ग्लिटर्स पेंट। तो इसमें आ गया जी पहले सी ग्रीन शेड, लाइट बेस पिक करके उसके ऊपर ब्राइट टोन्स के साथ किया हुआ है ब्रश पेंट। दिस इज फ्रंट ऑफ द शर्ट, ये पूरा जो नेक है यहाँ पे सेट हो जाएगा एंड दिस विल बी द बैक ऑफ द शर्ट। बैक पे मोटिफ है जी, आर्म्स पे भी मोटिफ दिया हुआ है, ये देखिए ये आर्म्स की लुक है इसकी, एक आर्म का मोटिफ इधर है, एक बैक ऑफ द शर्ट पे है। आप सी थ्रू आर्म्स बनवा सकते हैं या कुछ पफ आर्म्स के साथ इसको डिजाइन करवा सकते हैं। साथ में आ गया जी इसकी बॉटम का फैब्रिक ऑफ द बेस शेड, ये उपाडा सिल्क दिया गया है इसके साथ और ऑर्गेन्जा का ही इसका ब्रश पेंट का बहुत ब्यूटीफुल दुपट्टा रहेगा। ये देखिए एकदम लाइट वेट सा पीस है, प्रॉपर सामरिश कलेक्शन है ये, इसके ऊपर भी सेम आ गया ब्रश पेंट इस तरह से। इसी में ही सेकंड शेड आ गया जी पिंक शेड, ये देखिए सिर्फ कलर्स का जो है इसमें डिफरेंस रहेगा, रेस्ट ऑफ द पेंट और डिजाइनिंग सारी सेम मिलेगी आपको इनके ऊपर। हेमलाइन पे भी ब्राइट शेड को हाईलाइट किया हुआ है, एक पूरा बॉर्डर दिया हुआ है ब्राइट शेड के साथ। ये आ गया इसके साथ इसका दुपट्टा, ब्रश पेंट के साथ हल्का सा ग्लिटरी लुक देके इसको हाईलाइट किया हुआ है दुपट्टा एज वेल एज सूट्स को।
सॉरी दिस वॉज पीच शेड, थोड़ा पीच टोन का शेड है बिकॉज पिंक शेड तो नीचे है. दैट वॉज पीच, दिस इज पिंक शेड ऑफ इट. पिंक के ऊपर हॉट पिंक को हाईलाइट किया हुआ है. मैं पिंक पीच में बहुत कंफ्यूज होती हूँ. दिस इज पिंक शेड. तो ये पिंक का लुक आ गया जी प्रॉपर. पिंक के साथ आ गया पिंक का बेस कलर का ही बॉटम. और ये इसके दुपट्टे का आ जाएगा ऐसे लुक. प्रॉपर लेंथ फिट में रहेगा, 2.5 मीटर का दुपट्टा है. और रेंज वाइज भी दिस इज वेरी नॉमिनल फॉर 2200 रुपीज ओनली. आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो या किसी हल्के फुल्के फंक्शन पे आप वेयर कर सकते हो इस पीसी को. इसमें आ गया जी लास्ट शेड लवेंडर के साथ पर्पल. शर्ट का लुक और साथ में इसके दुपट्टे का लुक. तो इट वॉज 4 शेड्स पैलेट. इसके बाद आगे गाइस ब्राइट शेड के सूट्स प्योर ऑर्गेन्जा में ही. प्योर ऑर्गेन्जा का रहेगा शर्ट पीस, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा और साथ में उपादा सिल्क की रहेगी सेम शेड की बॉटम. और ये पीसेज इतने प्रिटी है ना, हमने पहले इनके पेस्टल शेड्स भी बहुत सेल किए हैं और आई एम श्योर आपको इसके ब्राइट शेड्स भी जो है वो बहुत पसंद आएंगे. तो दिस इज अ लुक फॉर द फर्स्ट पीस. ये डार्क मस्टर्ड शेड है और नेक के ऊपर ये सारा पैच वर्क के साथ साथ रिबन वर्क हुआ है. यहाँ पे आप ओ नेक, बोट नेक, ये जो भी नेक आप चाहते हो वो आप इसके ऊपर डिज़ाइन करवा सकते हो. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेक वर्क. और नीचे घेरे पे भी ये सारा एप्लीक वर्क किया हुआ है, पैच वर्क किया हुआ है और साथ में लेसिंग के साथ इसको हाईलाइट किया हुआ है प्रॉपर. ये आ गया जी शर्ट का लुक. बैक रहेगी प्योर ऑर्गेन्जा में प्लेन. इसकी रेंज रहेगी गाइस 3400 रुपीज़ की. सेम शेड का उपाडा सिल्क का इसके साथ बॉटम दिया हुआ है और इसका दुपट्टा बहुत ब्यूटीफुल है गाइस. ये देखिए इसके दुपट्टे के लुक. जो पैच नेक के ऊपर दिया है फैब्रिक का, सेम पैच 4-sided लगा है दुपट्टे पे विद लेस फिनिशिंग 4-sided. और यही घेरे वाला जो एप्लीक वर्क है वो आपको पूरे दुपट्टे पे मिलेगा. ये आ गया जी प्रॉपर लुक पीस का. इसी में ही नेक्स्ट शेड आ जाएगा पर्पल. दिस इज वेरी प्रिटी शेड. ये देखिए पर्पल का लुक. शर्ट एंड दुपट्टा सेम डिस्क्रिप्शन रहेगी जी सूट्स की, जस्ट कलर्स इनमें डिफरेंट हैं. सबके ऊपर क्रीम शेड का ही पैच लगा हुआ है और फ्लोरल लेस जो ये यूज की हुई है सारी सेम कलर की लगी हुई है. इसको पर्ल्स के साथ हाईलाइट किया हुआ है नेकलाइन को. और नीचे हेमलाइन भी प्रॉपर ऑर्गेन्जा एप्लीक वर्क और लेसेस के साथ ही हाईलाइट की हुई है. ये आगे इसके साथ जी इसका उपाडा सिल्क का सेम शेड का बॉटम. इसका दुपट्टा रहेगा जी सेम शेड में. थर्ड शेड इसका है मेहंदी ग्रीन. कुछ हल्दी मेहंदी के फंक्शंस के अकॉर्डिंग दिस इज वेरी ब्यूटीफुल शेड. ये मेहंदी ग्रीन की लुक आ गई जी. सेम डिस्क्रिप्शन फॉर द नेक एंड सेम डिस्क्रिप्शन विल बी फॉर द घेरा ऑफ द शर्ट. बॉटम इसके साथ आ गई जी मेहंदी ग्रीन शेड में उपाडा सिल्क की बेस शेड में. दुपट्टा रहेगा जी इसका कुछ इस तरह से. ये आ गया जी दुपट्टा का लुक. एंड दीज पीसेज आई मस्ट से दीज आर सो एलिगेंट. आप इनको पैंट्स के साथ, पजामीज के साथ, इवन स्ट्रेट सलवार्स के साथ किसी भी डिज़ाइन में पहनिए. दे डोंट नीड मोर डिज़ाइनिंग बिकॉज इनके दुपट्टाज और इनके शर्ट पीसेज ऑलरेडी इतने डिज़ाइनर बने हुए हैं कि आप अगर इसको सिंपल भी स्टिच करा लेंगे तो भी ये बहुत एलिगेंट लगेंगे पहने हुए. इसी में ही नेक्स्ट शेड रहेगा एयरफोर्स. ये आ गया जी इस शेड का लुक. हेमलाइन ये आ गया जी इसकी बॉटम उपाडा सिल्क में सेम शेड की. दुपट्टा ये दुपट्टा का लुक आ गया इसका.
आज ना गाइस वीडियो दिखाने के लिए ना मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई ऑर्गेन्जा कलेक्शन दिखाने के लिए, कि हमारी डर्मीज बेचारी ऐसे ही रह गई, उनको दिखा ही नहीं पाई। तो हमारी डर्मीज ने भी ऑर्गेन्जा के पीसेज ही पहने हुए हैं। तो पिस्ता ग्रीन शेड रहेगा थोड़ा इसका टोन। दिस इज द वन जो कि पहना हुआ है द डर्मी ने। ऑर्गेन्जा की शर्ट पीस रहेगी, साथ में ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, पिंटेक्स रहेगा पूरा पैनल सेंटर में, और साथ में आप देखिए लेसिंग हो रखी है दोनों तरफ, और हेमलाइन के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल सा एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा का बॉर्डर लगा हुआ है प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी के साथ, हैवी पैनलिंग की हुई है इसकी घेरे की। तो ये लुक इसका आ जाएगा जी शर्ट का। ऑर्गेन्जा का ही दुपट्टा रहेगा इसका, फोर साइडेड ब्रॉड लेसिंग के साथ, और हेमलाइन भी इसकी बहुत ब्यूटीफुल बनी हुई है इस तरह से, पूरी लेसिंग का जो डिजाइन है इसके ऊपर रहेगा। साथ में सेम शेड की आ जाएगी बॉटम, एंड दिस इज फॉर 3600 द वन द डमी इज वेयरिंग ऑन दिस साइड। और जो सेकंड पीस डमी ने वेयर किया है, दिस इज आल्सो इन प्योर ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा की रहेगी शर्ट, बॉटम उपाडा का, और नेट प्लस ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। दिस इज वेरी डिजाइनर पीस, आई एम गोना शो द कलर्स ऑफ इट आल्सो। तो ये रहेगा जी सी ग्रीन काइंड ऑफ शेड इसका। इसकी पूरी जो नेक लाइन है वो बिल्कुल प्लेन दी हुई है, आप इसको शॉर्ट लेंथ में भी बनवा सकते हो। हेम लाइन के ऊपर बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया हुआ है विद ब्राइटन कलर ऑफ ग्रे एंड ग्रीन, दोनों को थोड़ा ब्राइट करके लुक दिया है, और साथ में हेम लाइन पे पूरी लेसिंग है फैब्रिक लग के, इसको हेम लाइन को डिजाइन किया हुआ है। एंड आई मस्ट से इसका दुपट्टा बहुत ब्यूटीफुली स्टिच्ड और एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखिए इसके दुपट्टे का लुक, नेट का दुपट्टा, साइड्स पे ऑर्गेन्जा प्लस ब्रॉड क्रोशेट की लेस लगी हुई है फोर साइडेड दुपट्टे पे, और एम्ब्रॉयडरी है थ्रू आउट दुपट्टे पे। आप देखिए इन द कॉर्नर देयर इज अ पैच ऑफ एम्ब्रॉयडरी, इन द मिड देयर इज अ पैच ऑफ एम्ब्रॉयडरी, बोथ साइड्स बोथ कॉर्नर्स पे बहुत सुंदर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो इसमें सी ग्रीन कलर एक आपको मिलेगा जो डमी ने वेयर किया है, और इसमें और भी शेड्स आपको मिल जाएंगे। इसमें सेकंड शेड रहेगा जी स्काई ब्लू शेड, दिस इज वेरी वेरी प्रिटी। ये आ गया जी इस शेड का लुक, प्योर ऑर्गेन्जा का शर्ट पीस, एंड दिस इज आई मस्ट से सो लाइट वेट, मतलब ये बिल्कुल भी हार्ड मटेरियल नहीं है। मैंने पहना हुआ है, यू कैन सी द फिटिंग्स की इनमें बहुत अच्छी फिटिंग्स आती है, बिकॉज जो प्योर क्वालिटी का ऑर्गेन्जा रहता है, देखिए दिस इज वेरी सॉफ्ट, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है कि हम कहें ऑर्गेन्जा है तो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, मतलब बहुत लाइट वेट है ये, बहुत अच्छा फैब्रिक रहेगा। इसमें स्काई ब्लू कलर की लुक आ गई जी, 3800 रुपीस का रेंज है इस पीस का। तो इसकी भी हेमलाइन के ऊपर ये ऑर्गेन्जा का एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है, और इसके ऊपर पूरा ये पैच वर्क है, दिस इज ऑल थ्रेड वर्क फ्रॉम द बैक ऑल्सो, यू कैन सी दिस इज ऑल वर्क, ये सारा वर्क रहेगा इसके ऊपर हेमलाइन के ऊपर। सेम शेड की आ गई जी इसके साथ उपाडा सिल्क की बॉटम, ये आ गया जी इसका दुपट्टा, मैंने जैसे अभी दिखाया था इसका दुपट्टा, ये इसके दुपट्टे का लुक आ गया। ये देखिए प्रॉपर लेंथ रहेगी जी दुपट्टे की, 3.5 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, और विड्थ यू कैन सी कि काफी अच्छी विड्थ में ये दुपट्टा है। तो प्रॉपर फॉर्मल पीसेज है समर्स की, फंक्शंस के अकॉर्डिंग दिस आर वेरी वेरी प्रिटी। दिस इज पिंक कलर इन इट, डिजाइंड है इसका, बैक और बाजू प्लेन रहेंगी सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग बाजू डिजाइन कर सकें। ये आ गया जी इसके साथ इसकी बॉटम का लुक, एंड वेरी वेरी प्रिटी एंड डिजाइनर दुपट्टा विद इट। ये देखिए नेक्स्ट पैलेट रहेगा जी अगेन ऑर्गेन्जा की शर्ट, प्योर टैबे सिल्क का दुपट्टा, साथ में उपाडा सिल्क की इसकी बॉटम। इसकी भी नेक लाइन रहेगी सिंपल, बिकॉज इसका जो घेरा है हेम लाइन है, और जो यहाँ वाला पार्ट है जो शर्ट के पल्ले पे आता है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड विद ब्रश पेंट, एंड नंबर ऑफ लेसेज आर डिजाइंड ऑन द हेम लाइन। साथ में ये सारा क्रोचेट का जो पैच है उसको हैंडवर्क के साथ स्टिच किया गया है, बहुत सुंदर हेमलाइन बनाई हुई है। ये देखिए ये सारी लेसेस हैं जिनको प्रॉपर फिक्स किया है इनके ऊपर,
फिक्स करने के बाद ब्रश पेंट हुआ है और ब्रश पेंट के बाद ये सारे जो इम्बोस्ड पैचेस हैं इनको घेरे के ऊपर रेडी किया गया है। तो बहुत ब्यूटीफुली पीसेज ये बने हुए हैं। बैक और बाजू प्लेन रहेगी। ये आ गया जी इसका प्योर मसलिन का बॉटम। रेंज इनकी रहेगी गाइस 3800 रुपीस की। दुपट्टा रहेगा प्योर टैबी सिल्क में, वेरी वेरी सॉफ्ट दुपट्टा। ये देखिए दुपट्टे का लुक, टैबी सिल्क का दुपट्टा रहेगा। दुपट्टे के ऊपर ब्रश पेंट और साथ में ये सेम पैच वर्क जो घेरे पे किया हुआ है वही पैचेस ये देखिए इस तरह से लगे हुए हैं इसके ऊपर। और फोर साइडेड रहेगी लेस के साथ दुपट्टा, फिनिश रहेगा फोर साइड। ये देखिए इसका लुक दुपट्टे का, 2.5 मीटर का फुल फ्लेश्ड दुपट्टा रहेगा इसके साथ। एंड दिस इज अगेन टैबी सिल्क, सबको पता है कि प्योर टैबी सिल्क बहुत सॉफ्ट दुपट्टा होता है एंड वेरी लाइट वेट टू कैरी। इसी में सेकेंड शेड रहेगा जी लाइलैक शेड, ये आ गया जी लाइलैक शेड का लुक। हेमलाइन रहेगी इस तरह से डिजाइन, सेम डिजाइनिंग है बस जो इसके शेड्स हैं जो कलर स्कीम है वो लाइट शेड के अकॉर्डिंग ब्राइटन अप करके इनके कलर्स को विद द मिक्सिंग ऑफ क्रीम एंड ग्रे हाईलाइट किया हुआ है सारे पीसेस को। तो ये इसकी लुक आ गई जी। और साथ में बॉटम इसका बेस शेड में रहेगा लाइलैक शेड में ही, प्योर मसलिन का बॉटम। ये आ गया जी बॉटम का लुक। साथ में इसका टैबी सिल्क का रहेगा ब्यूटीफुल सा दुपट्टा। आजकल ट्रेंड हो गया है गाइस कि दुपट्टा जितने डिजाइनर आते हैं सूट्स में कि अगर प्लेन सूट्स भी हो ना तो भी चल जाए, लेकिन दुपट्टा की ही इतनी ग्रेस है। आप देखिए कितना ब्यूटीफुली डिजाइन है ये दुपट्टा, टैबी सिल्क के ऊपर ब्रश पेंट, फिर ये सारा प्लीक वर्क और फिर ये सारा क्रोशेट का फोर साइडेड इसका फिनिशिंग जो है, इट मेक्स द सूट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आ गया जी इसमें ग्रेप ग्रीन शेड। ये देखिए इसका लुक, ऑल द शेड्स आर वेरी प्रिटी। आप अपनी जो भी आपकी चॉइस है या जो आपकी वार्डरोब में शेड नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप शेड जो है वो पिक कर सकते हैं। ये आ गया जी इसका दुपट्टा। नेक्स्ट शेड इन द सेम डिजाइन, बहुत कंफ्यूजन है कलर्स में बिकॉज ऑल द शेड्स आर वेरी प्रिटी। ये आ गया जी नेक्स्ट पिंकिश पीच शेड का लुक। अब चलते हैं जी नेक्स्ट डिजाइन की तरफ। ये डिजाइन भी रहेगा जी प्योर ऑर्गेन्जा का शर्ट पीस, साथ में रहेगा ऑर्गेन्जा प्लस नेट का दुपट्टा और बॉटम बेस शेड की ही आती है इनके साथ। तो इसके साथ प्योर मसलिन की बॉटम लगी हुई है, मसलिन की बॉटम आ जाएगी। सेम रेंज 3800 रुपीस में। इनके नेक पे बहुत सुंदर वर्क है गाइस, दिस इज द सेंटर ऑफ द नेक, यहाँ पे नेक लाइन बनेगी और नेक लाइन पे आप देखिए ये सारा पैचेस है, दिस इज पैच, जो क्रॉचेट की लेसेस के पैच आते हैं ना वो पैच फिक्स करने के बाद इसके ऊपर किया गया है चेन वर्क। ये सारा मोती वर्क है, पर्ल वर्क है, साथ में आ जाएगा जी ये कटदाना वर्क, दिस इज ऑल हैंड वर्क। पैचिंग होने के बाद थ्रेड वर्क किया गया है मिड में और ये सारा हैंड वर्क है जो कि इसको प्रॉपर फॉर्मल लुक दे रहा है एंड दिस इज वेरी वेरी प्रिटी। इसमें आपको फोर शेड्स मिल जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द नेक। हेम लाइन पे आ गया जी ऑर्गेन्जा का एम्ब्रॉयडर्ड पैच। ये देखिए लेस को फिक्स करने के बाद डिजाइनिंग दी हुई है हेम लाइन की, दिस इज द लुक फॉर द घेरा। बैक रहेगी प्लेन ऑर्गेन्जा में, सेम शेड में रहेगा जी मसलिन का ही बॉटम। आप इसको चूड़ीदार पजामी के साथ बनवाइए एंड ये इतना ब्यूटीफुल लगता है ये पीस। पैंट्स के साथ बनवाइए, वॉट एवर बॉटम के साथ जो आप चाहते हो आप बनवा सकते हो।
आर्म्स के लिए प्लेन और गेंजा साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा भी दी हुआ है, सो देट आप चूड़ीदार बाजू बनवा सकते हैं अपनी, जो भी डिजाइनिंग आपने करवानी है। दुपट्टा इसके आ जाएंगे जी एम्ब्रॉयडर्ड, सो दिस इज द लुक फॉर द दुपट्टा। सेंटर में ये सारा नेट रहेगी, नेट के ऊपर ये पूरे जो बने हुए हैं जो इसका डिज़ाइन है एम्ब्रॉयडरी के प्रॉपर पैचेस बने हुए हैं, ये मल्टी शेड के रहेंगे जैसे कि ये सेंटर ऑफ द नेक पे हैं। और साथ में सेम शेड का पिंक शेड का और ऑर्गेंजा है टू साइड्स विद द फिक्सिंग ऑफ लेस, फोर साइडेड नेट की लेस के साथ रहेगा ये हाईलाइट किया हुआ। हाँ सो ब्यूटीफुल दुपट्टा, मैं तो बोलते बोलते थक गई इसकी डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द दुपट्टा ऑफ इट। नाउ आई एम गोना शो यू द शेड्स ऑफ इट। दिस इज पिंक शेड इन 3800 रुपीज। नेक्स्ट इसमें रहेगा जी ग्रेप ग्रीन शेड, ये देखिए ग्रीन शेड का लुक। सारा पेस्टल कलर चार्ट रहेगा इन सूट्स में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेंजा सूट्स जो आते हैं वो पेस्टल शेड्स में ही आते हैं। ये आ गया जी इसका लुक। नेक घेरा सारे सूट्स की सारे पैलेट्स में डिजाइनिंग सेम रहेगी, जस्ट कलर्स आर द डिफरेंट। तो ये इसका नेक का लुक आ गया जी, कलर्स पूरे हाईलाइट किए हुए। ये आ गई हेमलाइन, मसलिन का सेम शेड का रहेगा जी इसका बॉटम। और ये आ गया इसके साथ इसके दुपट्टा का लुक। नेक्स्ट इसमें आ गया शेड लेमन, वेरी प्रिटी शेड। ये देखिए लेमन शेड का लुक, हल्का सा बेजिश लेमन टोन रहेगा इसका। तो इसके जो एम्ब्रॉयडरी के कलर्स हैं, यू कैन सी सारे जो इनके कलर स्कीम यूज़ की हुई है सूट्स की, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, इसको कलरफुल लुक दे रही है। और नीचे हेमलाइन पे सेम बॉर्डर सबके ऊपर आपको मिलेंगे। ये आ गया जी इसका बॉटम इन द सेम शेड। ये रहा जी इसका प्रिटी सा दुपट्टा, ये इसी में ही आ गया जी। नेक्स्ट शेड फिरोजी, दुपट्टा गिर गया। ये आ गया जी इसका नेक का डिजाइन का लुक, प्रॉपर हैंडवर्क के साथ पैच वर्क थ्रेड वर्क। और हेमलाइन के ऊपर आ गया जी ऑर्गेंजा का एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर। ये आ गया जी इसका दुपट्टा, बॉटम सेम शेड की मसलिन की ये रहेगी। ये आ गया इसका दुपट्टा जी। सो दिस इज द लास्ट पीस गाइस फॉर टुडेज वीडियो। और हमारा आज का ऑर्गेंजा सुपर डुपर स्पेशल वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।